डिनर लाई, डिनर पे लाया आप मुझे डेट पे। ओहो ये देखिए गिफ्ट पैक्स के इतने शॉप्स कहीं पे देखे होंगे किसी ने। आए थे DLF की मार्केट लाजपत से सीधे, जो सामान लेने आए थे वो तो मिला नहीं है, तो जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि वो जो कल लाइट्स लगी थी उनमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक करने के लिए आए हुए हैं भैया घर पे। तो पहले जाके वो लाइट्स ठीक कराते हैं, फिर देखते हैं, मन हुआ तो कुछ खाने चले जाएंगे, नहीं तो फिर घर पे ही खा लेंगे। क्या मन है आपका, कहीं जाना है खाने, जाने के बाद वापस आएंगे हम या फिर क्या करेंगे? दोनों चीज में ही। हाँ चलो, हम आ गए हैं वापस घर, सुप्रभात देखने बैठ गए हैं अपना मैच, क्योंकि आज आ रहा है इंडिया का मैच। लाइट्स हो गई हैं सही, ये देखिए मैं आपको, अच्छा मैं दूसरी बालकनी में जाके दिखाती हूँ सो देट पूरा घर दिखेगा। बहुत ही सुंदर लाइट्स लगे हैं और बहुत सुंदर घर लग रहा है। ये देखिए ये हमारी बालकनी, ये पूरा घर कितना सुंदर लग रहा है, पूरी लाइट्स लग गई हैं, लगी तो इस बालकनी में भी हैं वैसे लाइट्स। ये रही, ओ दिवाली आते ही घर इतने सुंदर सुंदर सज जाते सबके। ये देखिए सब घरों में लाइट्स लग गई हैं, वाओ। गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो घर आते ही एकदम पैकेट लग गया अनबॉक्सिंग में, नायका का ऑर्डर करा रखा था अनबॉक्सिंग में, घर आके पंखा तक नहीं चला गर्मी में बैठ के। गर्मी नहीं, हाँ मौसम सही हो गया, नहीं मौसम सही नहीं हुआ कुछ भी, घर आते पहले ये करो, पंखे बाद में चलो, पानी वानी बाद में पियो, पहले ये करो। आपका भी सामान आया? मेरा क्या सामान है, ये देखो अपनी क्रीम है, डेंटिंग पेंटिंग का सामान मंगाया है। डेंटिंग पेंटिंग का सामान नहीं है, नॉर्मल डे क्रीम है। हां नॉर्मल डे क्रीम, और ये फेशियल किट, फेशियल किट मेरी क्रीम में से आधी से ज्यादा तो सुप्पी तू खुद ही खत्म कर देता है। और देखिए ये भी ये देखो आपका प्रो मैन, ये सनस्क्रीन लोशन, और ये हमें मिला फ्री, नायका ने दिया इतना सारा सामान मंगाने का, मजा आ गया। और ये मेरा LA गर्ल का करेक्टर कंसीलर, एक्चुअली पता नहीं क्या होता है तो। और ये देखो ये शॉपिंग करके आई, यहाँ पे पूरे फैब्रिक की फैब्रिक दिखाती हूँ मैं आपको, फैब्रिक्स लेके आई हूँ मैं बहुत सारे, देखो फैब्रिक्स आप देखिए, आपके कपड़े ज्यादा है मुझसे लेके। ये हल्दी का, सुष्मिता की हल्दी के लिए मेरे को ड्रेस बनवानी है तो उसके लिए ये, और ये बहुत सारे फैब्रिक्स, सब लाइनिंग, सुप्रभात के जो फैब्रिक्स आए थे उनकी लाइनिंग्स, ये एक साड़ी मम्मा ने मुझे दिया चंदेरी के, उसका ब्लाउज का फैब्रिक, और ये सुप्रभात की पठानी की सलवार का फैब्रिक। कब हम पठानी सूट पहनेंगे, मोटापा इतना आ चुका है कि अब कुर्ते पजामे पहनने पड़ेंगे। और मेरा फैब्रिक कहाँ गया, अच्छा ये रहा, सुष्मिता की शादी पे जब मैं ब्लैक साड़ी पहनने वाली हूँ उसका ब्लाउज का फैब्रिक, एकदम सेक्सी ब्लाउज बनवाऊंगी मैं। जल्दी चलो ना यार प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ भूख लग रही है, अभी तो अनबॉक्सिंग कर लो, पंखा तो चला लो, घर में घुसते पहले किसी को बताते नहीं होते ये। चलो जल्दी, चलो गाइस मिलते हैं, खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद हम, कभी खाया थोड़ी देर में खाए खाना, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी, 9:30 हो रहा है। टैंक फुल कर दो, पेट्रोल डलाने आए हैं। ये देखिए मोदी जी ने कितना बढ़िया बनाया, गैस से छुटकारा, सॉरी धुएं से छुटकारा, उज्जवल शक्ति, मोदी जी खुद बैठे। कार्ड है भैया, यहीं कट कर दीजिए, कितने का होगा भाई साहब, बहुत पेट्रोल महंगा हो चुका है, 3426 में हुआ टैंक फुल, कार्ड दे दो। देखिए सुप्रभात बात कर रहे हैं हमने साले साहब से, मेरे भैया की एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनके हालचाल पूछ रहे हैं, और ये लेके आए हैं मुझे यहाँ पे ऊपर रो एशिया, इतना स्मोक है, सारे कैमरास ब्लर हो रखे हैं। क्या यहाँ हम जॉय स्ट्रीट जहाँ पे हम हमेशा आते हैं मूवीज़ देखने के लिए, लेकिन आज सुप्रभात मुझे लेके आए हैं यहाँ रो एशिया, बहुत बता रहे हैं कि यहाँ का अच्छा खाना है, तो खा के आते हैं।
पता नहीं कितनी देर से बातें किए जा रहे हैं, कितनी देर बातें करेंगे। इतनी बात तो मैं अपने भाई से नहीं करती जितनी ये मेरे भाई से करते हैं। आ जाओ स्कैनिंग फॉर ओके चेक इन। एक बार देख लेते नहीं तो बाहर आ जाएगी। चलो बाहर ही चलते। व्यू देखिए कितना सुंदर है। ओ हमारा पास्ता आ गया। I'm feeling better. सर नेग्रोनी बोल दी थी मैंने। हाँ बोल तो बियर की टेस्ट तो दे देंगे। कैंडल लाइट इन्हें पे लाया आप मुझे टेस्ट पे। ये हमारे रंगा बिल्ला ब्रेड बेबी बुश आज पास्ता मिल गया है। ये कबाना है पूरा कबाना के मजे। गर्मा गर्म पास्ता। अरे आप खा दो चिकन विंग्स मैंने मंगाए अपने लिए। अरे चलमुरी के ऊपर क्यों आए चिकन विंग्स बट नाइस गुड थिंग। हम आ गए वापस घर। खाना भी खा लिया, मार्केट के काफ़ी सारे काम भी निपटा लिए। संडे था लेकिन बहुत हेक्टिक था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा दिन ऐसे फ्री मिलेगा जब मैं ये बोल पाऊँगी कि हाँ आज मैंने रेस्ट किया और पूरा जो इतने सारे पिछले दिनों की थकान है वो उतार ली। वो दिन ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। मेरी मम्मा एक बहुत सही चीज़ बोलती है कि जब भगवान जी ने मुझे बनाया था तो वो रेस्ट वर्ड लिखना भूल गए थे। ऐसा ही हो रहा अभी तो बिल्कुल। एनीवेज मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही ख़त्म क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 12:30 हो रहा है और सोने की तैयारी करती हूँ क्योंकि कल मुझे फिर से ऑफिस जाना है और कल मंडे है तो फिर से मेरा फास्ट भी है। तो आपको अगर हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप लोग सोच रहे होंगे घर बहुत खाली लग रहा है क्योंकि सुप्रात गए हैं, आते ही अपने डॉग को दूध देने के लिए मिल्क वो पिलाने जाते हैं दूध उनको। तो गुड नाइट गाइज, मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट बाय बाय।